नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पर। हमारे संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की खबर कटिहार से। फलका प्रखंड क्षेत्र के पीरमोकाम पंचायत के पीरमोकाम काली मंदिर के समीप 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन गुरुवार से शुरू हो गया। भागवत कथा को लेकर कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में करीब 351 कुमारी कन्याओं व महिलाओं ने हिस्सा लिया। जी हां, कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ वेलगच्छे स्थित बरंडी नदी में वृंदावन के बाबा दिनेश चंद्र व्यास के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ किया गया। बताते चले कि कलश शोभा यात्रा बेलगच्छी बरंडी नदी से जल भरकर पीर मुकाम रहटा आदि गांव होते हुए पीर मुकाम काली मंदिर पुनः वापस आया। कलश शोभा यात्रा करीब 5 किलोमीटर का भ्रमण किया। जी हां, कलश शोभा यात्रा के दौरान कमेटी के सदस्यों के द्वारा श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा था तथा ठंडा पानी भी पिलाया जा रहा था। वहीं पीर मुकाम में श्रद्धालुओं के द्वारा सड़कों पर पानी भी डाला जा रहा था। बताते चले कि पीर मुकाम पंचायत में अहले सुबह से ही वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि पीर मुकाम काली मंदिर स्थान के निकट 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन के दिनेश चंद्र व्यास प्रवचन करेंगे। कलश शोभा यात्रा व भागवत कथा को सफल बनाने में पूरे पीर मुकाम पंचायत वासी लगे हुए हैं। यहाँ पे कलश शोभा यात्रा निकाला गया, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से शोभा यात्रा कजरा घाट से पुनः काली स्थान आते हुए, पारावारी होते हुए, मध्य रहटा दुर्गा स्थान होते हुए, पीर मोकाम गांव होते हुए पुनः काली स्थान में स्थापित हुई। क्या कहेंगे आप शोभा कलश यात्रा के बारे में, इसका उद्देश्य क्या बताएंगे? इसका उद्देश्य है शांति, सद्भावना, प्रेम और समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट हो। आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय पंडित श्री धीरेन्द्र झा। निकला गया इसके बारे में अब क्या कहना? ये हम लोगों का भागवत कथा जो हम लोग कर रहे हैं ये चलेगी 18 से 25 तक। उसको स्टार्ट करने के लिए कलश यात्रा हम लोग 18 तारीख को सुबह 8 बजे से निकाले हैं, जो कि परंडी नदी से भरकर पीर मुकाम होते हुए राहटा पंचायत के दुर्गा स्थान होते हुए पीर मुकाम काली स्थान तक आएगी, जिसके बाद 2 बजे से भागवत कथा आरंभ। कितनी कन्याओं ने जन्म लिया? 301 कन्याओं ने जन्म लिया। क्या कहेंगे इस भागवत कथा के समाज पे? क्या ये भागवत कथा ये सनातन धर्म से चलते आ रहा है, जिसका प्रभाव हम जो चल रहा है उसमें से लोगों को बहुत ही शिक्षा प्रदान होती है। लोग सत्य की ओर जा रहे हैं, सत्य मार्ग पर जाने का शिक्षा मिलता है, एक दूसरे को जुड़ने का मौका मिलता है जो किसी को पहचानते नहीं है। इस कथा के माध्यम से सुनने के लिए बाहर से जो लोग आते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मुख्यतः भागवत कथा का आयोजन एक दूसरे को जोड़ने के लिए ही होता है। बाबा कहाँ से आए हुए हैं? ये बाबा वृंदावन से आए हुए हैं। ये किस माह में किया जाता है? क्या फिर से बोले? किस माह में करते हैं ये? हम लोग ये मुख्यतः फागुन के माह में ही करते हैं। अगले वर्ष जो है महामारी COVID-19 के चलते हम लोगों ने आयोजन स्टार्ट किया था, लेकिन COVID-19 के चलते उसको रोकना पड़ा। ऐसा भी देखा गया है कि भागवत कथा में ताली बजाने से या अच्छा करने से कोरोना काल खत्म हो सकता है? ऐसा तो लोगों को मानना है, इस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। कोरोना मुख्यतः डिस्टेंस से ही दूर होगा, अपना सतर्कता बढ़ते रहे तो मुख्यतः वह जो है COVID-19 दूर हो जाएगा। मैं कुंदन कुमार झा, ग्राम पीर मोकाम।